Hello everyone, I hope you all are doing good. As you guys already know, I think अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि DULLB की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है और इस बार का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है. आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जाने वाला है. और इसी वजह से बहुत सारे लोग, मैं ऐसे नॉर्मली यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और देख रही थी कि बहुत सारे लोग को, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने वेट किया है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं कि उन्होंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम का वेटिंग और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के वेटिंग में. और बिकॉज दे वर थिंकिंग कि अगर लास्ट टाइम का कट ऑफ 230 के आसपास था तो फिर इतना ज़्यादा अभी कैसे बढ़ गया. आई नो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, बट हाँ, जो इस बार का कट ऑफ है दैट इज़ जनरल के लिए 257, OBC के लिए 221 एंड EWS कैटेगरी के लिए 236, शेड्यूल कास्ट के लिए 185 और ST के लिए 112. बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है कट ऑफ में. और आई नो बहुत सारे लोग बहुत वेट कर रहे थे, इसीलिए मैंने ना कोई प्रेडिक्शन वगैरह नहीं किया था बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि आगे चल के एग्ज़ाम क्या, मतलब बच्चों ने क्या सब परफॉर्म किया है. और एग्ज़ाम पेपर ऑब्वियसली सभी लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं. आई नो बहुत सारे लोग डिसहार्टन्ड हुए हैं, बट डोंट वरी, अगर हुआ है तो अच्छा है, नहीं बहुत अच्छी चीज़ है. अगर नहीं हुआ है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग ट्राई कर सकते हो. वो एक कहावत होती है ना कि अगर ये नहीं मिला तो पक्का कुछ अच्छा ही फ्यूचर में प्लान होगा, इसीलिए ये चीज़ नहीं मिली है. सो आई बिलीव इन दैट. सो ऑल द बेस्ट जिनका हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है डोंट लूज़ होप. अगर फिर से तैयारी करनी है तो फिर से तैयारी करिए, और अगर किसी और चीज़ को परस्यू करना है या आप लोगों के दिमाग में कोई और प्लान है आपके लिए तो उसको भी परस्यू कर सकते हैं. या जिनका BHU में हो रहा है, MSCET में हो रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है. सो ऑल द बेस्ट यू गाइज. और जिनका हो गया है वो लोग अच्छे से अपने जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं उन्हें टाइम पे करा लीजिएगा. और जिस भी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, लाइक अगर आप OBC कैटेगरी के हैं या EWS कैटेगरी के हैं, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए सो दैट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर इफ़ एट ऑल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो DULLB के पोर्टल में जाके वहाँ से अंडरटेकिंग ले लीजिए, वहाँ पे मेंशन है, वहाँ से आप लोग अंडरटेकिंग ले सकते हैं सो दैट आपको कुछ टाइम मिल जाए उस डॉक्यूमेंट को रेडी कराने का, तो इतना पैनिक क्रिएट नहीं होगा आप लोगों के लिए. सो आई थिंक इतना बस है. और मैं एक व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. और अगर कुछ इशू क्रिएट हो रहा है या कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्वेरीज को मेंशन करके आप लोग डील कर सकते हो. एज़ ये व्हाट्सएप ग्रुप लॉ फैकल्टी के बच्चों ने ही प्रिपेयर किया है जिसका लिंक हम लोग के ग्रुप में आया था, तो आई थिंक आप लोग को मैं वो उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो रिलेटेड टू DULLB का एग्ज़ाम, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेने की प्रोसेस में, तो आप लोग को आई थिंक वहाँ से सारे आंसर्स मिल जाएंगे बिकॉज हमारे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जनवरी में. तो आई विल बी वेरी बिजी इस टाइम पीरियड में. जनवरी से हमारे एग्ज़ाम है तो बहुत कम टाइम है मेरे पास, हम सबके पास भी. तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस वीडियो. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ वॉच माई ब्लॉग वीडियोज ऑल्सो. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग सिचुएशंस इन योर लाइफ. एंड डोंट फॉरगेट, जिन लोगों का हो गया है, एडमिशन लेना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़. एंटर इन लॉ फैकल्टी दिल्ली इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़. वहाँ पे आके सस्टेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इतने सारे कोर्सेज को इतने कम टाइम पीरियड में आपको रेडी करना होता है और एग्जाम्स देने होते हैं. तो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.